ही गाइज, वेलकम टू माई ब्लॉग चैनल गाइज। और यहाँ पे बाज़ार से लाए हुए मेरे अंडा करी थे, उसको मैं घर की जैसे स्वाद का बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिए हैं। मस्टर्ड ऑयल को गर्म करने के बाद में यहाँ पे कुछ एक अनियन चॉप किए हुए और एक टमाटो को चॉप करने के बाद बहुत बारीक से चॉप किए हुए थे, और उसको ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं अच्छे से इसको ब्राउन होने तक के लिए भून रही हूँ। और गाइज बिलीव करिए, ऐसे इसमें स्वाद आ जाते हैं ना कि क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं। बाज़ार से कोई भी रेसिपी लेकर के आइए और घर में इस तरह से कुछ थोड़ी सी कलाकारी कर दीजिए, और वो टेस्ट बहुत ही निखर करके डिफरेंट टेस्ट आते हैं। और यहाँ पर ब्राउन होने तक भुनने के बाद में यहाँ पे मैंने एक चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किए हैं, और वाकई में इतना करने के बाद जो उसकी टेस्ट बढ़ गई थी क्या ही बताएं आपको, बहुत ही अच्छी टेस्ट आई थी। बहुत ही अच्छे खा करके मज़ा ही आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। और यहाँ पे जो भी अंडा करी आए हुए थे उसको मैंने अच्छे से इसको पहले भूना। अच्छे से भूनने के बाद में गाइस इसमें मैं पानी भी मिलाऊंगी और थोड़ा सा नमक भी ऐड किए थे, और गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। थोड़ा सा हल्का सा ज़रा सा नमक भी मिलाए हुए थे, और गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। आप लोग भी जब बाज़ार से कुछ लाए तो उसको घर में कलाकारी करके उसको थोड़े से डिफरेंट स्वाद बना सकते हैं, दे सकते हैं, और खाने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि घर पे कुछ कलाकारी करने के बाद में वो कितने टेस्टी बन जाते हैं, कितने स्वादिष्ट बन जाते हैं। आप लोग भी ट्राई करिए, और मज़े से रोटी के साथ, पूरी के साथ में, किसी भी चीज़ के साथ में, चावल के साथ में, किसी भी चीज़ के साथ में आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा।